फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपनी पूरी की पूरी जर्नी, जिसके अंदर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और मैंने उस जो के है अभी जो के है मेरे 3K सब्सक्राइबर्स फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, 3K सब्सक्राइबर्स, सबको थैंक यू। बाकी भी फिलहाल काफ़ी टाइम से मेरे यूट्यूब चैनल पर व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तो काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि मैंने व्लॉगिंग अवॉइड कर दिया, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। व्लॉग्स बहुत जल्द मैं अभी अपलोड करूँगा, बस कुछ टाइम के लिए एक ब्रेक था। तो अभी जो कि अभी हमारी इंशाल्लाह आगे बकरा मंडी वाली सीरीज़ भी पूरी चल रही है ईद वाली, तो वो भी जो कि है 2-4 दिनों तक व्लॉग्स आना स्टार्ट हो जाएगी रेगुलरली। तो अभी जो कि है फिलहाल मैंने कहा चलो आज आप लोगों को मैं बताऊं कि मैं 0 सब्सक्राइबर से 3K सब्सक्राइबर तक कैसे पहुंचा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं मैं अपना चैनल मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो सबसे पहले तो जब मतलब एक नया यूट्यूबर होता है, जैसे कि कुछ भी नहीं पता होता, मतलब स्टार्टिंग में एक बंदा एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, एक बस एक गूगल अकाउंट मैंने अपना बनाया था। मुझे बस गूगल अकाउंट भी तब इतना अच्छा नहीं सही बनाना आता था, क्योंकि तब ना मैं था 6 साल का, क्योंकि अब मैं तब था इतना छोटा, मैं सिर्फ यूट्यूब पे वैसे कार्टून वगैरह देखता था, मतलब तब वही उम्र थी मेरी। तो बाकी मैंने कहा चलो यार मैं भी क्यों ना अपना कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखता था, मतलब डिफरेंट कंटेंट्स वो बनाते थे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फिर मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ। तो फिर तब जो मैं इतना ज़्यादा छोटा था, तो मैंने बस अपना सिर्फ एक अदर यूट्यूब चैनल बनाया था। तो बाकी मैंने अपने चैनल के इतने नाम चेंज किए और अब जो क्या है फाइनली आप लोग देख सकते हैं मिस्टर 1000 IT जो क्या है ऑफिशियली मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। और बाकी अब 3K सब्सक्राइबर मेरे जो क्या है मेरा ड्रीम जो क्या है पूरा होता नज़र आ रहा है मुझे। अभी अगला टारगेट तो 5K तक ही है, क्योंकि अभी 4K तक जो के है 4K तो बस कोई एक मतलब नंबर, एक बड़ा नंबर होगा 5K, तो फिर तब हम सेलिब्रेशन भी करेंगे। बाकी डेयर्स वगैरह भी जैसे रखी थी, तो आप लोग वेट कर रहे होंगे कि मतलब डेयर वगैरह कब पूरी करूँगा। तो इंशाल्लाह बस ये बकरा ही निकल जाए ना, उसके बाद भाई अभी जो कि हमने अपना स्टूडियो बनवाना है जो कि 3K सब्सक्राइबर्स की डेयर थी। बाकी अगर 3K की सेलिब्रेशन भी करनी होगी छोटी मोटी जैसे भी करनी होगी तो मैं बता दूँगा। बहरहाल तमाम मिस्टर 1000 IT आर्मी को बहुत ज़्यादा थैंक यू जिन्होंने सब्सक्राइब किया और सपोर्ट भी किया बहुत ज़्यादा, तो सबको दिल से थैंक यू। और बाकी जो कि अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ अपनी पूरी की पूरी जर्नी जो कि 0 सब्सक्राइबर से मेरे 3K सब्सक्राइबर्स तक रही। तो सबसे पहले तो जो कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा नूब इंसान था, मतलब मुझे ना शौक था खुद से कुछ करने का, लेकिन मतलब इतना कुछ पता नहीं था। मतलब एडिटिंग आती थी थोड़ा बहुत, वीडियो के पीछे म्यूज़िक लगाने का पता था, और मतलब जैसे थोड़ी बहुत एडिटिंग जैसे। और अभी आप लोग मेरी वीडियो भी देख लोगे तो कह रहे होगे काफ़ी प्रोफेशनल एडिटिंग है, लेकिन जो कि पहले मुझे इतना ज़्यादा एडिटिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे एडिटिंग करने का शौक भी बड़ा था और मैं यूट्यूबर्स को भी काफ़ी सारे देखता था। तो बाकी बस मैंने अपना ना यूट्यूब चैनल फिर मैंने चलो का स्टार्ट कर लिया मैंने। फिर उसके बाद पहले तो मैं ऐसे भी लोग अपलोड करना स्टार्ट हुआ, मैंने चूज़े लिए थे, मैंने उनकी वीडियो बनाई वो अपलोड कर दी, उस पर तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, 50-60 व्यूज़ ऐसे, तो उससे कोई 1-2 सब्सक्राइबर हो गए थे बस ना। पहले वो जैसे बंदा कुछ जैसे वीडियोस आती है कहीं से, वो बंदा जैसे टिकटॉक कुछ बनी होती है वैसे बंदा अपलोड करते। तो अभी जो क्या है वो मेरे बस ऐसी बस मैं पहले अपलोड करता था, तो उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करते करते ना मेरा 1-2 सब्सक्राइबर ही हुए थे। तो तब मैं बड़ा डिमोटिवेट हो रहा था कि मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे फिर। तो फिर मैंने सोचा चलो यार अब मैं ना अपना एक चैनल बनाता हूँ, व्लॉगिंग करूँगा उसके ऊपर। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ना मैंने उसके बहुत सारे इतने मैंने उसके नाम चेंज कर लिए चैनल के जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो फिर मैंने व्लॉगिंग का चैनल बनाया, मैंने उस पर व्लॉग्स अपलोड किए, फिर मैंने उसी चैनल को ना मैंने एक ऐसा चैनल बना दिया वो ना उसका मैंने नाम रखा था दी बुक राइटर, ठीक है। उसके ऊपर मैं डिफरेंट स्टोरीज़ वगैरह लिखता था बस, और वो उसकी एडिटिंग में करता था। तब मुझे एडिटिंग काफ़ी अच्छी आ रही थी, तब मैं था शायद 8 साल का हो गया था, मैं तब 2 साल हो गए थे और कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, 3-4 सब्सक्राइबर ही थे मेरे तब तक भी। फिर मैंने सोचा क्योंकि घर वाले भी घर वालों को भी तो चलो कहा था मैंने, फिर तभी मैंने घर वालों को कहा था ना, क्योंकि जब मेरा जब अच्छी वीडियोज़ मैंने थोड़ी सी बनाना स्टार्ट की इस तरह, अगर मैं पहले कह देता घर वालों को तो फिर वो ज़रा हो जाता था कि मेरी वीडियो एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी पहले। तो फिर जब मैं 8 साल का था तब जब मेरी एडिटिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, फिर उसके बाद मेरे काफ़ी चीज़ों का पता चल गया, क्लिप वगैरह कैसे लगा रही है वीडियो में, और मतलब जैसे वीडियो एड कैसे करनी है एक वीडियो के अंदर ही, और जैसे काफ़ी सारी इस तरह की डिफरेंट चीज़ें मुझे पता चल गई थी, वीडियो में एनिमेशन कैसे देनी है या फिर डिफरेंट इस टाइप की चीज़ें। म्यूज़िक वगैरह तो मुझे आता था पहले से भी, वो आगे पीछे म्यूज़िक करना और स्प्लिट वगैरह सारा मुझे पहले से पता था, लेकिन इतनी प्रोफेशनल एडिटिंग की ना पता थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे ऐसे एडिटिंग आती गई, तो मैंने ना काफ़ी कुछ और भी मैंने सीखा फिर साथ साथ एडिटिंग का, जैसे कि कार्टून एनिमेशन। अभी आप लोग देख रहे होंगे ये वीडियो भी मेरी एनिमेटेड ही है और लिपसिंग हो रही है जैसे कि साथ साथ ही।
तो बस मेरे स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे ही रहा था बस, फिर ऐसी कर करके ना मैंने ना दोबारा से अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर लिया। दोबारा से मैंने जब अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया तो फिर मैंने उसके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स, मतलब अच्छे अच्छे तो नहीं, मतलब शुरू में तो अजीब अजीब कैमरा हिला हिला के मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी बस। तब वो अभी जो कि फिर वो ऐसा ऐसा करके मेरे 14 सब्सक्राइबर होते, फिर मैंने शॉर्ट्स भी थोड़ी बहुत अपलोड करना स्टार्ट की थी, तो मुझे 14 सब्सक्राइबर होते बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि पहली दफ़ा एक वीडियो पे 100 से ऊपर व्यूज़ आ गए थे, तो 100 से ऊपर व्यूज़ की मुझे इतनी ज़्यादा वो खुशी थी ना कि मैंने पता नहीं कौन सा गोल अचीव कर लिया। जैसे मैंने कोई गोल्डन प्ले बटन मिल गया मुझे, या सिल्वर प्ले बटन, या डायमंड प्ले बटन, या मुझे कोई कस्टम प्ले बटन मिल गया जो मैं इतना खुश हो रहा हूँ, लेकिन खैर ऐसा कुछ भी नहीं था और मैं सिर्फ एक 100 व्यूज़ और 40 सब्सक्राइबर में इतना खुश था। खैर फिर आज तक करके मैंने कहा चलो यार और सब्सक्राइबर्स मेरे गेन होते जाए, अच्छी बात है। फिर 100 हो गए थे तो काफ़ी खुशी हुई थी मुझे। फिर उसके बाद हम लोगों ने छोटी सी एक सेलिब्रेशन भी की थी, फिर काफ़ी मज़ा आया था 100 सब्सक्राइबर जब हो गए थे। उसके बाद आगे 500 तक बहुत ही जीरा मेरा सब्सक्राइबर्स। फिर मैंने एडिटिंग स्टार्ट कर दी थी चैनल पर, जैसे कोरोना से स्पार्क की काफ़ी एडिटिंग चल रही थी उस टाइम मेरा, मतलब वायरल हो रही थी एडिटिंग उसकी, तो वो मैं वही अपलोड कर करके मैं वायरल हो गया, मतलब मेरी वायरल हो गया, मेरी एडिटिंग वायरल हो गई। तो एक वीडियो पे ना मुझे 3 लाख से ऊपर व्यूज़ आ गए थे, तो वो मैं आगे आपको बता दूँ कब आए थे वो। खैर मेरे ना पहले 26K 33K ऐसे व्यूज़ आए थे, तो उससे मेरे ना 500-600 सब्सक्राइबर्स हो गए थे कंप्लीट, 600 कंप्लीट हो गए थे मेरे सब्सक्राइबर्स। उसके बाद मैंने शॉर्ट्स अपलोड करना स्टार्ट की, उससे कर करके 700 हो गए, फिर 800 हो गए। अगर आप लोगों ने कुरुलिस उस्पात सीरीज़ देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि सीज़न 4 के अंदर कुरुलिस उस्पात के एक अदद गोल करेक्टर आया था जिसका नाम था रायबार, ठीक है। तो मैंने उसकी ना वो जब उसका सर उतारा था कुरुलिस उस्पात ने, तो मैंने उसकी एक वो वीडियो लॉन्ग वीडियो अपलोड की एडिट करके, तो वो मैंने जब अपलोड कर दी ना तो उसके ऊपर 3 लाख से ऊपर व्यूज़ आ गए पूरे 2 हफ्तों के बाद। 2 हफ्तों के बाद जब देखा तो 3 लाख से ऊपर व्यूज़ और सब्सक्राइबर मेरे 1000 कंप्लीट हो गए थे, बल्कि अब 2000 होने वाले थे। तो फिर जो कि मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया था 4000 hours, और फिर ऐसा ऐसा करके 4000 hours से ज़्यादा ही 5000 hours हो गया था एक दो दिनों में मज़ीद कर लगा के ना, तो उस पर व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। मतलब ना मुझे अपना एक ड्रीम फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा था कि मेरे जैसे कितने, मतलब मेरा एक ड्रीम था स्टार्टिंग से जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था कि मेरा एक चैनल हो, उसके ऊपर वीडियोस हो काफ़ी सारी और उसके ऊपर मतलब लाखों में व्यूज़ हो। तो मुझे मेरे जब 300K व्यूज़ हो गए थे एक वीडियो के ऊपर, 300K से ऊपर ही हो गए थे, तो मुझे उसकी बड़ी ज़्यादा खुशी थी। और मुझे लग रहा था जितनी फास्ट बढ़ रही है ना इस वीडियो के व्यूज़, तो मुझे लग रहा था कि इसके 1 मिलियन व्यूज़ भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली अब वो जो कि है उस वीडियो को मुझे एक रीज़न की वजह से डिलीट करना पड़ा, जिसे कहते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक, ठीक है। तो अब कॉपीराइट स्ट्राइक इतनी को गंदी पड़ती है ना, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। वो उसने मेरी वीडियो को डिलीट करवा दिया, और ना अगर मेरे चैनल पर मतलब वो एक से ज़्यादा स्ट्राइक्स आ जाती ना मज़ीद उसकी कुरुलिस उस्पात की वीडियोस लॉन्ग अपलोड करके, तो वही चैनल तो मेरा गया था। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल की वो स्ट्राइक हटाई, फिर वीडियो डिलीट करनी पड़ी, तो अब जो क्या है फाइनली चैनल दोबारा री रेपुटेशन पर आया। लेकिन अभी भी मतलब वैसे लाखों में व्यूज़ तो नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं मतलब शॉर्ट्स के आ रहे हैं, 10K हो गए, 1K 2K, बस अब शॉर्ट्स पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। इसलिए मैं लॉन्ग वीडियोज़ भी काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं कर रहा, जैसे आप सभी लोग परेशान हो रहे होंगे कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब बस वीडियो तो डिलीट करनी पड़ी, मजबूरी थी मेरी भी, तो बाकी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे 2K सब्सक्राइबर्स तो होने वाले हैं। उस टाइम पे मेरे थे सब्सक्राइबर्स 1.93K, यानी कि 1930, यानी 1930 सब्सक्राइबर्स थे मेरे। तो मैंने कहा चलो अच्छे हो जाएंगे मेरे सब्सक्राइबर्स, फिर जल्द से जल्द हो जाएंगे सब्सक्राइबर्स। लेकिन फिर वो ऐसा ऐसा करके 2K हो गए मेरे सब्सक्राइबर्स, कुछ शायद महीना लगा था उसके लिए, तो वो 2K बस हो गए थे। फिर उसके बाद शॉर्ट्स अपलोड कर करके, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो यार अब मैं शॉर्ट्स अपलोड करना शुरू करता हूँ। तो फिर वो चल रहा था ज़रा फलस्तीन वाला टॉपिक या ट्रेंडिंग में चल रहा था, जैसे मैं अभी तो मैं कह रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर्स ऐसे ही मैं बढ़ाता जाता हूँ। फिर उसके बाद कुछ यार करेंगे कोई डेयर शेयर उसके बाद, तो मैंने कहा चलो यार अब ना अब ये वाले टॉपिक पर वीडियोज़ बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बहुत वायरल हो रही थी तब। तो मैं फिर ये फलस्तीन वाली जो कि है एडिट कर रहा था शॉर्ट्स, और मैं रोज़ प्रीमियर पे लगा देता था सुबह 8:30 पे। ये मेरे ना एक्सपीरियंस मेरा ट्रिक क्या कि मैं ना जब सुबह के टाइम पे 8:30 पर वीडियो अपलोड करता हूँ ना शॉर्ट वीडियो, तो काफ़ी सारे व्यूज़ आ जाते हैं।
जो शॉर्ट्स वीडियोस होती है ना, बस वो आप 8:30 पे अपलोड करोगे सुबह के टाइम, तो आपके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे शाम तक। तो मैंने इस ट्रिक को 30 डेज तक यूज़ किया और मेरे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए और मेरे 3K सब्सक्राइबर जो कि कंप्लीट हो चुके हैं फाइनली। तो आप लोग भी इस ट्रिक को जल्दी से जाकर यूज़ करो, जो वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही होती है पकड़ो, अपलोड करो शॉर्ट्स पे। लॉन्ग वीडियो तो फिर आप एक ही कंटेंट रखो अपना, लेकिन शॉर्ट्स पे जो ट्रेंडिंग में चल रहा है अपलोड करो और उससे अपने सब्सक्राइबर्स अगर गेन करना चाहते हो तो जितने सब्सक्राइबर्स गेन करना चाहते हो ऐसे करो गेन। और अगर आप लोग वॉच टाइम अपना गेन करना चाहते हो तो फिर गाइस आप लोग मेरा ख्याल से ना आप फिर पता क्या करो, आप लोग ना 1 घंटे की वीडियो अपलोड करके 4000 लोग इकट्ठे कर लो और ना उन 4000 लोगों को ना आप अपनी 1 घंटे की वीडियो सेंड करके ना वो सबसे कहो कि ना बस ना अब आपको बस ना 1-1 रुपया पकड़ा देंगे। तो भाई 1-1 रुपये में तो अब तुम्हारा काम होने वाला नहीं है, तो इसलिए बस तुम लोग ना बस अच्छा कॉन्टेंट अपलोड करो और बाकी बस अच्छा कॉन्टेंट अपलोड करो अपना और बस एडिटिंग पे ज़्यादा फोकस दो और फिर तुम लोगों का चैनल भी ग्रो कर जाएगा। जैसे अभी मेरा 3K सब्सक्राइबर तक तो पहुंच ही गया, इंशाल्लाह अभी 4K का टारगेट है, लेकिन बड़ा टारगेट जो अचीव करने का है वो तो 5K ही है मेरा अभी काफ़ी टाइम से ही। जब से पहले सबसे पहले तो मेरा 100 ही था, फिर 1K रखा मेरा टारगेट, फिर उसके बाद अब 5K रखा हुआ मैंने। साथ ही साथ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक और बात भी सजेस्ट करना कि मैं अपना मीटअप कब रखूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि 5K सब्सक्राइबर्स पर रखूँ तो यार सब्सक्राइब करो जाके, और अगर चाहते हो 10K सब्सक्राइबर्स पर रखूँ तो फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। तो फिर जब 10K सब्सक्राइबर्स हो गए तब मीटअप करेंगे, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ 10K सब्सक्राइबर्स के बाद ही करेंगे, क्योंकि काफ़ी ऑडियंस हो जाएगी इस तरह। 5K पे तो सिर्फ 5000 ऑडियंस होगी अपने पास, पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। फिर अभी मैं सोच रहा हूँ 10K सब्सक्राइबर्स के बाद ही मीटअप करेंगे अपना आराम से। तो मैंने सोचा चलो मैं तुम लोगों को बता दूं, बाकी तुम लोग अपनी सजेशन दे दो नीचे कमेंट बॉक्स में, तो अगर जैसा तुम लोग कहोगे वैसे कर लेंगे। और साथ ही साथ में मैं 4K सब्सक्राइबर्स की डेट तुम लोगों को तभी बताऊंगा जब तुम लोग मेरे करवा दोगे 3000 और 500 सब्सक्राइबर्स पूरे, तो मैं तुम लोगों को तब डेयर बता दूंगा। और फिर जब हो जाएंगे 4000 सब्सक्राइबर्स तो फिर हम लोग डेयर जो के कर लेंगे अपनी, उसके बाद अभी जो के है फिलहाल जो कि अभी 3K सब्सक्राइबर्स की डेयर भी रहती है कंप्लीट करनी, तो अभी फिलहाल वो करेंगे 2-4 दिनों में। सो गाइस यहाँ पे हम लोग कर देते हैं अपने वीडियो को एंड, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।